Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, Ayat with you and welcome to another vlog. तो आज के ब्लॉग में आप लोग देख ही सकते हैं कि इस वक्त आयत रहमा है यूनिफॉर्म में, क्योंकि अभी अभी मैं स्कूल की हुई है ऑफ टाइम, अभी अभी नहीं थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, बट एक्चुअली हमारा लास्ट लेक्चर में टेस्ट था तो इसलिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई। तो अब है जुमे के लिए हमने तैयार होना है, क्योंकि आज है फ्राइडे और आज की स्कूल की टाइमिंग भी ज़रा नॉर्मल डे से कम थी फ्राइडे की वजह से। गाइस मुझे देख के आप लोग बता ही सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और मैं इस वक्त भी यूनिफॉर्म में हूँ। तो अभी हम फ्रेश होंगे और चेंज करेंगे इन 3, 2, 1। तो गाइस अभी हमने चेंज कर लिया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और आके मुझे कौन सी शख्सियत मिली जिससे मैं ज़रा मिलना चाहती थी सुबह के बाद, जिस शख्सियत ने मेरी नींद ख़राब की, मोहम्मद मोमिन। ये मुंह पर कर अपना जी। हाँ जी, आपने मेरी नींद क्यों खराब की? ताकि आप स्कूल टाइम पे जा सकें। अच्छा, वैसे भैया की बात, आज मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि मैं रिवीजन में ही रहती थी और अगर मैं ना उठती तो मैं ना कर पाती। थैंक्स टू मी, पर आपकी वजह से मेरी नींद खराब हुई। एक काम तो हो गया, तो एक गलत क्या है? स्टडी कम्स फर्स्ट। हां, स्टडी इज ऑलवेज फर्स्ट। ओके, आपने नमाज ही पढ़ने जाना? हाँ जी, बस मैं जा रहा हूँ। चलो मैं भी जा रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम आपने मुझे नहीं उठाना। ओके, नहीं उठाऊंगा। ओके, और अभी आए थे बाबा घर, और बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? मैं मिल्क शेक बनाने लगा। किसके लिए? बनाना अपने लिए। अच्छा, चलें। क्यों, आपने पीना? नहीं, मैं बाद में पीऊंगी। क्यों? हाँ, अभी मैं स्कूल से आई हूँ ना, सो फिर नमाज के बाद पी लूंगी। शायद आप लोग को बताऊँ, आप लोग ने आज तक जितने भी बनाना मिल्क शेक पिए होंगे, ऐसा बनाना मिल्क शेक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओए, इसमें तो कुछ डाला ही नहीं है, ना खजूर डाली है। अजी, सिंपल बना रहे हैं। बाबा मैंगो इस मौसम में? वो दो मैंगो बाबा ने मुझे कर दिया हैरान और परेशान, क्योंकि मैंगो का सीजन खत्म हो गया, फिर भी हमारे पास मैंगोज पड़े। ओके बाबा, आप बनाएं। ये तो ले जाओ, ये आपकी मम्मा ने मैंगो वाला नहीं दिया, उसके लिए सादा ले जाओ। और उसमें मैं कुछ हनी डालता हूँ, एक मैं मैंगो डालता हूँ, फिर पी लूँगा। अच्छा, भाग जा। तो ये रहा मामा का मिल्क शेक, और ये लेके जाते मामा के पास। अभी मैं अपने लिए जो बना रहा हूँ इसके अंदर मैंगो भी डालूंगा। ये आपका आ गया मैंगो। अच्छा, ये अब इसमें थोड़ा हनी भी डालना चाहिए। अब बनाना मैंगो का कॉम्बिनेशन मैंने तो पहली दफा सुना है। फल जो भी है, जिस तरह भी पेट में जाए वो अच्छा होता है। रोटियां खा के आप लोगों की बासी लगी, खा के मुर्गियाँ और ये वो। मैं तो फ्रूट में सबसे ज्यादा अच्छा। साथ साथ में आप अपना, ये आपके लिए लहसुन है, ये गंद भी नहीं डालना कि बाद में कोई किचन में आए गए कौन फिर के गया है यहाँ पे। आपने देखा है कौन सी मिसिंग है इसके अंदर, क्या नहीं डाला मैंने? आपने नट्स तो डालें या ना डालें वो तो चले डालें। हाँ, शुगर नहीं डालें बिल्कुल भी, क्योंकि बनाना खुद मीठा होता है, मैंगो भी मीठा होता है। चीनी बिल्कुल नहीं डालें। हाँ, हनी डाल सकते हैं। अभी आ रहा है हमारा हनी मैंगो। मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा अच्छा
और अब इसमें डालेंगे हम हनी, इसको और स्वीट करने के लिए। गाइस आपको पता है मेरा फेवरेट फ्रूट है ग्रेट फ्रूट, तो इसलिए बाबा कल ही बहुत सारे फ्रूट्स लाए थे और मैं बाबा ग्रेट फ्रूट भी लाए थे। इसको एक दिन चक्कर अब है इसको लास्ट में डालने की बारी। बाबा अब ऑरेंजेस का भी सीजन आने वाला है, उसमें भी मजा आएगा। बिस्मिल्लाह। बाबा आप ही बताएं कि आपने कैसा मिल्कशेक बनाया। बनाना प्लस मैंगो और हनी और ग्लास फ्लेवर। स्मेल मजेदार मजेदार। Yeah! Wow! ठीक है, चल अब बस कर, चल भाग जा। ओके बाबा, तो अभी हम चलते हैं नमाज पढ़ने, क्योंकि नमाज का टाइम होने ही वाला है। सलाम ले लेते हैं यहाँ से। हमने क्या लेना था, क्या क्या? मेरा परफ्यूम कहाँ पे? सोफे पे पड़ा था बाबा, सोफे पड़ा था परफ्यूम। अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाले रूम में परफ्यूम देखने, यहीं कहीं पड़ा था यहाँ पे सर। ये क्या है? अच्छा क्यों पड़ा हुआ वहाँ पे, जब हमने रात को वीडियो बनाई थी। हाँ यहाँ पे भी नहीं है, भैया के रूम में चेक करना पड़ेगा। मैंने देखा ना था यहीं कहीं पड़ा था। इस रूम में जाके ज़रा चेक कर लेते हैं। भैया ने मेरा येलो वाला परफ्यूम देखा, भैया ने मेरा येलो वाला परफ्यूम देखा। हेलो, येलो वाला परफ्यूम देखा वहाँ सोफे पड़ा था? नहीं, वहाँ पे भी नहीं है, वहीं कहीं देखना पड़ेगा। अभी बाजी के पास चलते हैं। नॉट नाउ, नमाज के बाद सब कुछ करने के बाद फिर टाइम लेना, उससे पहले नहीं लेना। ऊपर ऐसा कहते हैं दोबारा चेक करके आता हूँ। और गाइस मैं इतनी पता नहीं क्या हुआ है, और मुझे परफ्यूम कहाँ से मिला, सब चीज़ों के बीच में पड़ा हुआ है और मैं पूरा घर ढूंढ रही हूँ। ये जगह मैं दो दफ़ा चेक करके गई हूँ और दोनों दफ़ा मुझे परफ्यूम नहीं नजर आया। तो ये मेरा परफ्यूम, मेरा फेवरेट परफ्यूम है, और इसकी सेंट बहुत अच्छी है। और आज फ्राइडे भी, और सुनना भी है। तो अब हमने परफ्यूम भी लगा लिया और नाउ वी आर फुल रेडी फॉर नमाज। जूते भी पहन लेते हैं ज़रा। अभी हमने शूज़ पहन लिया और मैचिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, बट फिर भी मैचिंग करके करना क्या है। ओके फिर नमाज पर हम जाने लगे हैं। और बाबा आपने कब जाना है नमाज पढ़ने? मैं भी बेटा बस जा ही रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा सुकून कर रहा था बैठा, पंखे की हवा आजकल बड़ी ठंडी आ रही है, मज़ा आ रहा था। मैंने कहा जरा हवा ले लूँ फिर चलते हैं। आजकल तो क्लास में भी इतनी गर्मी लग गई है, मौसम चेंज हो गया काफ़ी। ओके बाबा फिर मैं चलती नमाज पढ़ने, आप भी चलें, फिर हम मिलते हैं नमाज के बाद। अल्लाह हाफिज़। अभी नमाज के लिए मैं जा रही हूँ और बाबू भी थोड़ी देर में चले ही बाबू भी थोड़ी देर में चले ही जाएंगे। और मैं कल तकरीबन सारे स्टूडेंट चले गए हैं, कुछ जूनियर से बैठे हैं, उन्हें भी लेने आ जाएंगे थोड़ी देर में। हम चलते हैं जी कुरान क्लास में नमाज पढ़ने। और आज कल काफ़ी अच्छा वेदर था, बेटर देन नॉर्मल जो आज का है और जो बाकी दिनों का था। अभी मैं आ चुकी हूँ कुरान क्लास में और पहली अजान हो चुकी है, तो मैं कहा कि ज़रा हम आहिस्ता बोलते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं सारे,
से के दूसरी अजान से पहले हम जरा तहियतुल मस्जिद की नफल भी पढ़ लेते हैं क्योंकि वो सुन्नत होती है। और अभी हम मैं आ चुकी हूँ नमाज पढ़ के, और मैंने तो सोचा था कि मैं आके खुद ही साफ़ करूँगी, बट अंकल ने तकरीबन सारा कर ही दिया। चलो कोई बात नहीं, आप पानी काफ़ी ज़्यादा गंदा था ये आप लोग देख ही सकते हैं। तो अब आज होगी सफाई, आज फ्राइडे है, आज हम भी साफ सुथरे हुए और फिश टैंक और फिशेस को भी साफ़ सुथरा किया, फिश वाले फिश को। बात सुने, ये जो शीशा है ना ये अच्छी तरह से साफ़ कर दीजिएगा, और वो जो बजरी है ना उसे आप धो भी दीजिएगा। धोते हैं साफ करते हुए? हाँ धोते हैं। आप जो जिस सर्फ डालते हैं ना तो ठीक तरह से सर्फ साफ़ नहीं होता, ये मशीनों के लिए ठीक नहीं है, आप अच्छी तरह साफ़ किया करें, देखें झाग बन जाती है सर्फ की वजह से। हाँ जी अच्छा गिराए फिर वो बजरी। और ये ना ये ट्रेडर्स को इधर ना रखे, मैं बताती हूँ किधर रखते हैं। तो अभी चीज जरा इसमें स्किन इनकी तस्वीर नहीं, अच्छा कौन से ट्रेडर्स जी गाड़ी कर दे, नहीं वो दे आप जाला दे जल्दी जल्दी। यहाँ से हम ले लेंगे, ये फिश बहुत ज़्यादा डरती हैं गाइस, आप लोगों को पता है रात को मेरे साथ क्या हुआ, मैं डरा रही थी टर्टल्स को और डर गई फिश, और फिश ने मारी छलांग और सारा जो पानी था वो बारिश। ये वाले टर्टल निकल गया टॉट एंड टैग, बस ये काटते है? नहीं अंकल नहीं कुछ नहीं होता ये ना, नए इन्वायरमेंट में जाते हैं ना कहीं, ये भी छोटे से हैं तो इसलिए ये लोग अभी अपने शेल्स के अंदर भी नहीं जाते, इनके ऊपर पैर ना रख दीजिएगा देख के। आपको पता है जब ये बड़ा होगा ना ये इसके टब के अंदर ही कपूर आया करेगा, कितना प्यारा लगता है। तो अभी अंकल ने सारा सामान अंदर से निकाल लिया, बस अब ये पेबल साफ करने हैं। और अंकल वो कहाँ हैं शेल्स? कौन क्या शेल्स? शेल्स इधर ही हैं। अच्छा सब कुछ आज साफ होगा, आज अच्छी तरह से सफाई कीजिएगा। हेलो टॉड जरा डरता है। अच्छा वापस आओ सॉरी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आज तो हमारी वीडियो में टॉड और टैड आए गए, पिछले दो तीन वीडियोस में नहीं आए थे तो मैंने कहा कि आज की वीडियो में आ ही जाएं, और मैं कैमरे में देख के हाथ लगा रही हूँ, अगर इसके मुंह पे हाथ लगा दिया तो ये बहुत ज़्यादा तंग हो जाएगा। और अभी आप लोग देख सकते कितना गंदा हुआ था पानी, एक्चुअली गंदा इतना जल्दी हो जाता है उनका फिल्टर भी आज ना तो ठीक तरह से साफ़ कीजिएगा। ठीक है फिल्टर साफ करते हैं ना जी। अभी हमें इसका नया फिल्टर भी बाय करना है क्योंकि ये जो फिल्टर है ना ये जरा इसकी ना आई भी है, क्या कह सकते हैं एक्सपायरी डेट। यहाँ पे मैं टॉड और टैड से खेल रही थी और वहाँ अंकल ने जी साफ सुथरा कर दिया, वहाँ अंकल तब शीशा भी साफ सुथरा हो चुका है और बस पानी डालना है।
और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा जो होगा एक्वेरियम वो दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। अंकल अब आप ना जल्दी से ना पानी इसमें डालें और बाकी सामान पहले डाल लें। फिल्टर साफ हो गया? फिल्टर इसका साफ हो गया, इसमें रहेगी। चलें जी, ठीक है। अब बजे तो हैं और फिर पानी डालते हैं। पानी मैं आपकी मदद करवा दूँगी डालने में, ठीक है? ले आते हैं धोके। चल जी, अब हो गया हमारे बजीसा और टॉड एंड टैड इंजॉय कर रहे हैं और टैड को पता नहीं क्यों पैनिक अटैक्स आ ही जा रहे हैं। कभी नहीं आते, कभी चुप करके सेंटर में बैठ जाते हैं सर निकाल के। और ये जी चली गई हमारी बजरी अंदर। शेल्स तो निकाल लें अंकल, बाद में डाल दीजिएगा शेल्स। ये अच्छी तरह से साफ की है बजरी, बहुत अच्छे। बहुत दिल कर रहा है टैब यूज करने का। हाँ गाइस, बस हो गई है। आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, एक्टिविटी करेंगे जरा वीडियो में। और ये रहा जी हमारा ट्विस्टेड 3x3 और इसका नाम मुझे नहीं पता, बट ये मैंने स्क्रैम्बल कर लिया, मुझे सॉल्व भी नहीं करना आता। और इसकी मूवमेंट्स इतनी अजीब है ना, अब क्या बताएं आपको। जरा एक मूव करके इसकी मूवमेंट होती है यूँ, ये देखें कैसी मूवमेंट है। और यहाँ पे जो हमने मामा ने मेरे लिए खरीदी थी अम्ब्रेला, और नीचे मैंने ज़रा बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। और अभी फिश टैंक साफ हो चुका है और हमारी मील भी आ गई है और साथ साथ ऊपर बाबा देख रहे हैं मैच। एक्चुअली मैं सो गई थी तो इसीलिए मैं ज़रा बना नहीं सकी। तो ये आ गई है जी हमारी मील, और हमारी मील में है शोरबा राइस और चांप खा पी के। और फिर उसके बाद मैंने ज़रा टैब यूज़ कर लिया, और फिर उसके बाद मैं मामा से परमिशन ली के क्या मैं बेकरी से कोई टॉय वगैरह ले सकती हूँ। तो मामा ने परमिशन दे दी है, तो अभी तो मैं जा रही हूँ बेकरी पे और हम लाइट भी कर लेते हैं ऑन। वाह रोशन जाए स्कूल। तो अभी हम मैं स्कार्फ पहन लिया और मैं जा रही हूँ बेकरी पे, वहाँ पे हम कोई टॉय वगैरह लेंगे। तो कहते हैं बाहर से चलते हैं, अंधेरा कितना हुआ है। मेरा ख्याल अंदर से ही जाना चाहिए था, अब मामा से भी डांट खानी पड़ेगी कि मैं बाहर से होके क्यों गई हूँ। मैं जब से बेकरी बनी है ना, काफ़ी सिक्योर जगह लगती है ये। नॉर्मली यहाँ पे ऑफिसेज होते थे और इस टाइम बंद हो जाते थे और बहुत ही अंधेरा होता था, बट नाउ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है फूड एंड लेकर के साथ। हम भी आ गए हैं बेकरी। सलामुअलैकुम, कहाँ हैं आज? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बड़े क्यूज वगैरह, ये क्या कह सकते हैं इसे, ये ज़रा 3x3 है बट थोड़ा इसका टेक्सचर चेंज है, भी 3x3 2x2 वो भी 2x2 और ये सिलेंडर और बाकी सामान पड़ा हुआ है। तो मैं लेना था यहाँ से ब्लैक वाला टैब। अंकल वो जो नए टॉयज आए हैं वो कहाँ पे पड़े हैं? ये टैब? हाँ जी, काउंटर ये राजी टैब जो मैंने लेना था। इसकी प्राइस क्या है? और हमने कहीं देखे, मुझे स्कूल में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो इसलिए मैं अपने लिए फ़ैन भी ले ही लेती हूँ।
और कुछ एक मिनट हम चलो कोई और देखते हैं, ये देखते हैं। ये लेते हैं, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ये लेते हैं और ले लेते हैं टैब। तो अभी मैंने ले लिए हैं ये दो टॉयज, एक तो ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग टैब है, और दूसरा है पावर छूट है। और आज तक मुझे भी जितनी भी टॉयज पे डांटे पड़ी हैं सारी इस तरह की गन्स की वजह से पड़ी हैं, पर फिर भी आपने मुझे सुना ही होगा, नेवर बैक डाउन नेवर वर्ट। अभी घर जाके ज़रा मामा को कन्विंस करना पड़ेगा, जो कि सबसे मुश्किल टास्क है। मेरा ख्याल मामा तो गन वापस करवा देंगी, क्योंकि अगर तो आज मामा ने परमिशन दे दी तो इसका मतलब व्लॉग कैन डू एनीथिंग, मींस के मामा को व्लॉग के नाम पे जो भी कहेंगे मामा मान जाएंगी। रात का टाइम इस वक्त हो रहा है, ये क्या है, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया ना तो ये आप लोग आपके घर आके मारेगा। प्रैक्टिस कर लेते हैं, मामा प्लीज़ मुझे लेने दें, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी बच्ची बनूँगी और मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं क्या करूँगी। मम्मा नमाज पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम मां, मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई टॉय नहीं लिया। वो कुछ देखे मामा, हमने जो फ़ैन लेना था फैन दो दिनों बाद वैसे ही पड़ा रहना था, तो इसलिए मैंने दिखाई देती हूँ आपको ये। अब हमारे ऊपर ना फाइल करना है। नहीं नहीं करती, आपने परमिशन दे दी। गाइस मैंने आप लोग को कहा था मैं व्लॉग कैन डू एनीथिंग, थैंक यू मामा। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं जैसे भैया ने मुझे उठाया था वैसे मैं ये इससे भैया को उठा के बदला लूँ अगली वीडियो में, तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमेंट शेयर प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।